क्योंकि आज नव्या ने अपने आप को ही लॉक कर लिया घर में और हम लोग रह गए घर के बाहर। तो एकदम जान अटक गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ उसको। Hold me close till I get up. Time is barely up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो आज है सैटरडे और आज सुबह होते ही हम लोग का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा फ्रेंड्स, क्योंकि आज नव्या ने अपने आप को ही लॉक कर लिया घर में और हम लोग रह गए घर के बाहर। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं जूता स्टैंड को साफ करने, क्लीन करने के लिए जा रही थी और क्लीन करने के लिए मैं जैसे निकली और ये भी मेरे पीछे पीछे निकले और नव्या ने उसी एट ए टाइम दरवाजा लॉक ऐसे लगाया और लॉक कर लिया और कंटिन्यूअस नव्या को बोलती रही कि दरवाजा खोल दो खोल दो खोल दो, लेकिन नव्या ने दरवाजा नहीं खोला और हम लोग हार गए। हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे दरवाजा खोल दो नहीं। तब तक ये नीचे गए, नीचे गार्ड भैया के पास गए मेंटेनेंस ऑफिस से, फिर आदमी आया हमारे यहाँ वो लॉक तोड़ने के लिए, मेंटेनेंस ऑफिस से आया, फिर मेंटेनेंस ऑफिस वाले आके जब दरवाजा तोड़े लॉक उस दरवाजे का, तब फिर हम लोगों ने नव्या को लिया। लेकिन नव्या मैडम अपना उस टाइम डांस कर रही थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम लोग को बाहर, फिर हम लोग बाहर है और ये दरवाजा लॉक करके अंदर है। फ्रेंड्स, मेरी ज्यादा मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये देखिए फ्रेंड, ये वाला जो लॉक है ये अभी भैया उसको पूरी तरह ये करके गए हैं, ये खुद अब काम ही नहीं कर रहा, हटा के गए हैं ये वाला लॉक, इससे तोड़ना पड़ा। वो तो थैंक गॉड ये जो बाहर का ग्रिल था ये नहीं लगा था, सिर्फ ये काठ वाला लॉक लगा था, इसे तोड़कर फिर हम लोग अंदर आए। इस बात की हो रही थी कि घर का ये वाली बालकनी खुली हुई थी और इसका डोर जो था ना ओपन था, ये गेटी एरिया का डोर ओपन था। मेरे को ये लग रहा था कहीं नव्या बालकनी में ना चली जाए और कुछ उल्टा पुल्टा ना करें। ये देखिए, मेरे को यही डर लग रहा था फ्रेंड्स। मैं हमेशा ये वाला बालकनी जो है ना, मैं हमेशा जब भी अगर सामने में नहीं रहती तो ये हमेशा बालकनी में ऑफ करके रखती हूँ, मुझे लग रहा है कोई भरोसा नहीं है नव्या क्या कर दूँ, इसलिए मैं हमेशा बालकनी बंद करके रखती हूँ। और मैं इसको कहते रही कि बाबू डोर ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, लेकिन उसने नहीं किया। थैंक गॉड, मतलब मेंटेनेंस में कारपेंटर यहाँ अवेलेबल होता है, थैंक गॉड। कारपेंटर रात में या दिन किसी भी टाइम आप बुलाओ, यहाँ मेंटेनेंस में कारपेंटर अवेलेबल होता है और उन्होंने दरवाजे के लॉक पे हथौड़ा मार मार के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। फिर मेरी हम लोग को नव्या, मेरी तो एकदम जान अटक गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ इसको, बार बार बोल रही हूँ प्लीज़ ओपन द डोर बाबू, प्लीज़ ओपन द डोर बाबू बाबू, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, बोल रही हाँ मम्मा हाँ मम्मा, कुछ नहीं करना है, अब इसे लॉक करके आराम से बैठी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सुबह शुरुआत तो ऐसे हुई है और उसके बाद फिर अब देखिए क्या होता है आगे आगे, क्योंकि नव्या है, नव्या तो कुछ ना कुछ काम करती रहती है, वो तो थैंक गॉड, थैंक यू सोसाइटी वालों का इसमें बहुत थैंक्स है कि उनके मेंटेनेंस ऑफिस में हर तरह के प्लम्बर्स कारपेंटर हर कुछ अवेलेबल रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाले हों, आप 24 आवर्स में भी कभी भी बुला लो वो लोग अवेलेबल रहते हैं। तो वो हो गया और मतलब नव्या जो बंद रही होगी 5 से 7 मिनट के अंदर मेंटेनेंस में इमरजेंसी कॉल गया और इमरजेंसी कॉल में 5 से 7 मिनट के अंदर नव्या बाहर के पास हम लोग पहुँच गए, सब कुछ खो गया एट ए टाइम और नव्या से हम लोग तुरंत मिल ली। मेरी तो एकदम मेरा जान लग रहा था बैठा जा रहा है, एकदम मेरी धड़कन रुक सी गई थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर किन्हीं के पास ये वाली है कि लॉक इस तरह की, बच्चे जिस लॉक को खोल सकते हैं, छिटकनी या लॉक या कुंडा कुछ भी है, तो फ्रेंड्स थोड़ा बच के रहिए, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स,
मेरा तो सर पकड़ लिया है। जय श्री राम। और फ्रेंड्स आज हमें बहुत सारा काम है, हमें बाहर शॉपिंग भी करने थोड़ी जानी है, ग्रोसरी शॉपिंग करने जानी है, और भी बहुत सारा जगह जाना है फ्रेंड्स। शॉप भी लेके चलते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी चाय पीती हूँ, उससे मेरा थोड़ा सर दर्द कम होगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. पापा अपनी इज्जत बचाते हो अपने बेटी के लिए। और मैं सामान को उठाती हुई कुली। अभी मैं जस्ट इसे जो ब्रेकफास्ट करवा रही थी, खिलाते खिलाते नव्या को लगी चोट इस उंगली में। दिखाओ तो बेटा कहाँ चोट लगी है। दिखली फ्रेंड्स जो ये हाई चेयर है ना, इस हाई चेयर को ये खिसका के ऐसे खोल चुकी थी। ये खिसकता है तो ये खिसका के नव्या ने इसे ऐसे करके खोल के ऐसे गिरा दिया। ये खिसका के बैठी हुई इस पे थी और खिसका के ऐसे गिरा दी। तो जब ये खिसका के गिराई, ये मेरे को बोल रही थी इसको रखने के लिए, इस पे ज्वाइंट करने के लिए। मैंने बोला हम नहीं करेंगे, तुम बार बार ये काम कर रही हो, मैं नहीं करूँगी। फिर नव्या ने इसे लिया और इसे ज्वाइंट करने की कोशिश की। फिर मैंने बोला रुको मैं कर देती हूँ। तो मैं जब ज्वाइंट कर रही थी, इसने बीच में यहाँ पे हाथ रख दिया, इसके इसके ऊपर इसने यहाँ पे हाथ रख दिया फ्रेंड, और इसकी उंगली में थोड़ा सा यहाँ से दब गया ऐसे। और जो नव्या चीखी ना, ऐसा लगा कि मेरी जान निकल गई। ये क्या कर दिया मेरे से, क्या हो गया, क्या कर दिया मेरे को, क्या हो गया अब इसको, अब मैं कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फ्रेंड। मैं रोने लगी लिटरली, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। और फिर मेरा दिमाग काम किया कि नहीं इसको पानी में देके इसको रब करते हैं ताकि इसका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए और फिर सही हो जाएगा। फिर ये चुप हो गई। मैंने ये हाई चेयर ट्रायल के लिए लिया था कि नव्या इस पे बैठती है या नहीं बैठती, मतलब बच्चे के लिए कंफर्टेबल होता है या नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में है फ्रेंड्स। तो मुझे ये लग रहा था, ये मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे उनको लगता है कि ये उस पर बैठ के खाना खाएगी, इस पर बैठ के खाना खाएगी। तो फिर हम लोग एक डाउट में थे कि क्या ये इस पर बैठ के खाने वाला चेयर खरीदा था। जबकि हाई चेयर बहुत महंगे महंगे आते हैं फ्रेंड्स। कोई कोई हाई चेयर तो मैंने देखा फर्स्ट क्राई पे 48,000 ये सबका था। तो मैंने ये वाला उस सब देख के तो मेरे को यही लग रहा था कि मैं लूँ अगर नहीं खाएगी नव्या फिर वेस्ट हो जाएगा, बच्चे कितने दिन और अगर नहीं खाते हैं तो हर चीज़ बर्बाद। लेकिन हाई चेयर बहुत यूज़फुल होता है फ्रेंड्स, और ये मेरे लाइफ में तो बहुत यूज़फुल होता है। आप लोगों को ये चीज़ पता है कि मैं अकेले ही घर को मैनेज करती हूँ, बच्चे को मैनेज करती हूँ,
और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं सुबह सुबह, तो मेरे को अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। मेरे पास कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है कि वो कुछ देर के लिए भी मेरे पास आ जाए। तो मेरे लिए मेरे को हाई चेयर मेरा सपोर्टिंग हैंड था कि मैं कभी भी अगर मेरे को ऐसा कोई काम करना होता था, इवन मैं नहाने के लिए भी जब जाती थी तो नव्या तो अभी बड़ी हो गई इसे मैं समझा देती हूँ, तो ये बैठ जाती है सोफे पे और इसको कुछ लगा के कोकोमेलन या फिर टीवी में कुछ भी म्यूज़िक लगा के दे देती हूँ तो ये चल जाता है। बट जब मैं हाई चेयर में जब ये छोटी थी, जब इसे समझ में नहीं आता था, तो मैं जब नहाने के लिए जाती थी मैं इसको हाई चेयर में लॉक कर देती थी ताकि वो भागे नहीं हाई चेयर में और मैं तसल्ली से नहा सकूँ। और उसके बाद इसके सामने हम लोग कुछ भी मतलब खाने के लिए छोड़ देते थे या कुछ भी सामने टीवी लगा देते थे ताकि ये इंगेज थोड़ी देर रह के रह जाए और मैं नहाने के लिए चली जाऊँ, मैं कुछ काम कर लूँ अपना, या फिर मुझे कुछ काम होता था किचन का काम या कुछ भी काम होता था तो मैं वो कर लेती थी। इसलिए हमारे जैसे इंसान के लिए हाई चेयर बहुत यूज़फुल है। और अगर बच्चे को इसकी तुरंत में आप चाहोगे कि हाई चेयर में बच्चा बैठ के खाने लगे तो नहीं, तुरंत में थोड़ी आदत नहीं होती है, धीरे 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 बच्चे को उस पर बैठने की आदत हो जाती है, इसलिए आदत लगा दे, धीरे धीरे आदत लगती है, मतलब 5 दिन 7 दिन 10 दिन में धीरे धीरे बैठने की आदत लग जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत यूज़फुल होता है जिनके पास कोई रिलेटिव्स नहीं रहते हैं और आपको अकेले बच्चे को मैनेज करना है, तो उसके लिए हाई चेयर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर मुझे पता होता कि ये मेरे लिए इतना यूज़फुल है तो मैं ये वाला नहीं लेती, मैं अच्छा वाला लेती। और नव्या भी इसको बैठ के खा भी पा रही है और मतलब अब तो नव्या नीचे भी मतलब ऐसे भी मैं देती हूँ तो ऐसे भी बैठ के खा लेती है और धीरे धीरे अब तो बड़ी ही हो रही है नव्या, तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे दूसरी हाई चेयर लेनी चाहिए। जब तक इस पे काम चल रहा है तब तक ओके है, नहीं तो फिर वेस्ट ही हो जाएगा, फिर नव्या बड़ी हो जाएगी, फिर ऐसे ही नॉर्मली खाने लगेगी हम लोग के साथ जैसे अभी थोड़े बहुत खाती है, तो फिर हाई चेयर वेस्ट हो जाएगा। तो ये लेकिन जब बच्चे स्टार्टिंग से खाते हैं तो हाई चेयर बेस्ट है उनके लिए। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि उनके खाने के पोस्चर को सही करने के लिए, क्योंकि हम लोग कभी बच्चे को सुला के खिलाते हैं उससे हो जाता है कि उनके नली में कभी कभी खाना फंस जाता है या कुछ दबा के या ऐसे जिस पोजीशन में हम लोग की गोद में बच्चा खाता है वो सही पोजीशन नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं हाई चेयर बेस्ट ऑप्शन है।